गुड मॉर्निंग क्लास क्लास वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर 7 फ्रॉम विस्तास एडवांस स्टाइज एंड ओ लेवल एंड चिल्ड्रन टुडे वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर वी हैव रेड सो मच अबाउट एडवांस एडवांस हु वॉज a mastermind criminal and who was successful to escape from Oxford prison. Although the governor had made too much security arrangement in the prison, but after all he had escaped from the prison. So children, Evans was very much shocked when he found the governor inside his room in the hotel Golden Lion. हम Evans के बारे में पढ़ चुके हैं और Evans fourth time जेल से भाग निकला, जेल से escape होने में सफल हुआ. और बच्चों, वट एवर क्वेश्चन पेपर ही हैड लेफ्ट एंड वट एवर करेक्शन स्लिप ही हैड लेफ्ट इनसाइड द सेल, थ्रू दैट द गवर्नर केम टू नो ऑल अबाउट द क्लूज एंड एट लास्ट ही अगेन कैप्चर्ड Evans इन होटल गोल्डन लॉयन. लेकिन गवर्नर ने फाइनली Evans को गोल्डन लॉयन होटल में जाकर रिकैप्चर किया. सो चिल्ड्रन, द गवर्नर नाउ गेव वार्निंग Evans दैट he need not do anything, he was under the custody. So Evans admitted it and he again started going by the side of the governor towards the van, police van that was outside of the hotel. So children, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द गवर्नर दैट द वैन वाज आउटसाइड. देखिए, जो रिसेप्शनिस्ट थी होटल की, उसने बताया कि जो वैन थी वो होटल के बाहर थी. ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड Evans. साइलेंट प्रिजन ऑफिसर ने, एक जो प्रिजन ऑफिसर था उसने Evans को हैंडकफ किया, उसके हथकड़ियाँ लगाई. Then the two men sat on the back seat of the prison van. तब Evans के साथ जो prison officer था वो van की सीट पर जाकर बैठ गए. Evans said that O level Italian classes were coming up next September. You can say, looking at the governor or making some fun, Evans told the governor again that O-level Italian classes were coming up next September, as the governor had made security arrangement for O-level German examination of Evans. जैसा कि देखिए बच्चों, Evans के O-level German examination के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गवर्नर ने, उसे परमिट किया और ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन के दौरान वो भागने में सफल रहा. तो हल्की सी मजाक बनाते हुए वो गवर्नर से कहता है, गवर्नर नेक्स्ट सितंबर में वो ओ लेवल इटालियन क्लासेस में अपीयर होगा. द गवर्नर सेड, बट द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफर्ड प्रिजन सेड, लेकिन गवर्नर ने कहा दैट परहैप्स He might not be with them, कि वो शायद अब उनके साथ नहीं होगा नेक्स्ट सेप्टेम्बर में.
तो एट दिस चिल्ड्रन इवांस अगेन स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स ऑक्सफर्ड प्रिजन सिटिंग इन साइड द वैन एंड नाउ द गवर्नर फेल्ट सेटिस्फाइड दैट ही वुड बी एबल टू रिकैप्चर इवांस. बट चिल्ड्रन एज वी नो दैट इवांस वॉज ए मास्टर माइंड क्रिमिनल एंड ही हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड लॉट्स ऑफ एक्वेंटेंसेस. एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम शिपिंग नॉर्टन ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड. देखिए बच्चों जैसे वैन शिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड रोड की ओर रवाना हुई द साइलेंट पुलिस ऑफिसर अनलॉक द हैंड कप्स. द प्रिजन ऑफिसर द पुलिस ऑफिसर हु वॉज विद इवांस ही अनलॉक द हैंड कप्स. ही अनलॉक द हैंड कप्स ऑफ इवांस. उसने इवांस के हैंड कप्स को अनलॉक कर दिया खोल दिया. ही लीन्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर एंड आस्क्ड हिम टू मूव ऑन फास्ट. अब देखिए बच्चों इवांस ड्राइवर की ओर बढ़ा. इवांस ने ड्राइवर की ओर देखा एंड आस्क्ड हिम टू मूव ऑन फास्ट. एंड आस्क्ड हिम टू मूव फास्ट टू ड्राइव फास्ट. एट दिस द ड्राइवर इंक्वायर्ड इन ए ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट वेयर दे शुड मेक फॉर. एट दिस द ड्राइवर आस्क्ड इवांस वेयर दे शुड मूव. जब देखे उस प्रिजन ऑफिसर ने उसकी हथकड़ियाँ खोल दी और इवांस ने जब ड्राइवर से कहा कि तेजी से चलाओ तो देखिए ड्राइवर ने इवांस से पूछा किस तरफ चला जाए. चिल्ड्रन यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन से दैट द प्रिजन ऑफिसर एज वेल एज द ड्राइवर वर द फ्रेंड्स ऑफ इवांस. देखिए जो प्रिजन ऑफिसर था जो उसे पकड़ कर लेकर आया वैन में और जो ड्राइवर था वो दोनों ही उसके मित्र थे इवांस के. अब देखिए ड्राइवर ने कहा इवांस से किस कहाँ चलने के लिए तो इवांस सजेस्टेड गोइंग टू न्यू वरी. लेकिन इवांस ने फिर उसे सजेस्ट किया कि न्यू वरी की ओर से लेकर जाया जाए. फाइनली इवांस बिकेम अगेन सक्सेसफुल टू एस्केप फ्रॉम द गवर्नर एंड चिल्ड्रन इवांस हैड द लास्ट लाफ विद इट. इवांस हैड द लास्ट लाफ और इवांस अंतिम बार हंसा. ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन वंस अगेन बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन वंस अगेन. ही हैड रन अवे फ्रॉम द प्रिजन फोर्थ टाइम. सो चिल्ड्रन दिस इज द चैप्टर. आई होप यू हैव गॉट इट. एंड चिल्ड्रन नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इवांस. Just to describe a brief character of James Roderick Evans. As Evans' full name was James Roderick Evans. So children, we know well Evans the Break, as he was known among the prison officers, was a jailbird. As Evans was called by the officials by the jail authorities Evans the Break. He is the important character of the chapter. The whole of the story revolves around him. देखिए jail authorities के द्वारा Evans को Evans the Break कहकर पुकारा जाता था. He was a congenital kleptomaniac. Children, he was not
ए वायलेंट काइंड ऑफ फिल्म था। वो बहुत ज़्यादा हिंसक नहीं था, वायलेंट नहीं था, कॉन्जिनिटल क्लेप्टोमैनिया था, उसे जन्म से चोरी करने की आदत थी। कॉन्जिनिटल का मतलब सिंस बर्थ, एंड क्लेप्टोमैनिया मीन्स चिल्ड्रन, अ पर्सन हु हैज़ द हैबिट ऑफ स्टीलिंग समथिंग और द अदर, जिसे चोरी करने की आदत होती है वो कहलाता है क्लेप्टोमैनिया। तो उसे जन्म से हल्की फुल्की चोरियां करने की आदत थी और इसीलिए वो जेल में डाल दिया जाता था। बट ही वॉज नॉट ए वायलेंट काइंड ऑफ क्रिमिनल, लेकिन वो वायलेंट नहीं था, लेकिन हिंसक नहीं था। ही वॉज क्वाइट ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन एंड अम्यूजिंग चैप। ही वॉज ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, द पीपल यूज टू लाइक हिज कंपनी, द पीपल यूज टू लाइक द कंपनी ऑफ रिवान्स। प्लेजेंट काइंड ऑफ पर्सन था, लोग उसकी संगति पसंद करते थे। इवांस हैड लॉन्ग वेवी हेयर, व्हेन वी मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम हिज फेस वाज अनशेवन एंड ही वोर ए फिल्दी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड। व्हेन इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर व्हेन वी सी इवांस, वी सी दैट इवांस हैड लॉन्ग वेवी हेयर। जब चैप्टर का आरंभ हुआ तो हमने देखा इवांस के लंबे लहराते हुए बाल थे, अनशेवन था, एंड द प्रिजन ऑफिसर जैक्सन गेव हिम हाफ एन आवर टू स्मार्टन हिमसेल्फ, एंड एट द टाइम ही वॉज वियरिंग फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट, एंड ही सेड टू द प्रिजन ऑफिसर दैट द हैट वॉज वेरी लकी टू हिम एंड ही शुड अलाउ हिम टू बी अर द हैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। चिल्ड्रन वी कैन से इवांस ऑल्सो हैड सब क्वालिटीज, ही इज स्मार्ट, ही इज कनिंग एंड ए रिसोर्सफुल पर्सन। When the invigilator named MacLeary came inside his cell to invigilate his examination, he complains to the invigilator against Stephens. Stephens, who is another prison officer, so he requests the invigilator that Stephens' presence was troublesome to him and he was unable to concentrate his mind on the examination. That's why the governor ordered Stephens to go out of the cell of Evans. In this way we can say that he is a person who has the quality of politeness, humbleness. Children, we also come to know that Evans enjoys the faith, support and active cooperation of his dedicated friends. He had a lot of friends. Evans ke bahut sare mitra the jinhone use har jagah har step par cooperate kiya. And with the support, with the cooperation of his friends, he was able to make a beautiful plan for the escape of the prison again for the fourth time. With the company of his friends, Evans planned carefully, working out the minute details and executed. But one more quality Evans had, he never
लूजेज हिज काम और प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए एक क्वालिटी और है वहाँ से, वो कभी भी अपने शांति को और प्रेजेंस ऑफ माइंड को नहीं खोता। सो चिल्ड्रन वी कैन से दैट एवांस बीकेम फाइनली सक्सेसफुल फोर्थ टाइम टू रन अवे फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। सो चिल्ड्रन दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू।